गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक मिश्रा और झारखंड के इतिहास के चैप्टर के साथ मैं आज अपना शुरुआत करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि झारखंड का इतिहास पढ़ने से पहले झारखंड जेपीएससी में, मुख्यतः जेपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हमें जानना, मुझे लगा ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। तो पहला है झारखंड का इतिहास, उससे 8 क्वेश्चन आएंगे आपके जेपीएससी में। झारखंड का इतिहास उसमें आपको पढ़ना है, झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन। झारखंड आंदोलन, खेरवार आंदोलन, संथाल आंदोलन, इससे आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आता है झारखंड का पहचान, झारखंड का पहचान, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, झारखंड में कौलेश्वरी पहाड़ कहाँ पे है, ये पहचान, तो इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। झारखंड का साहित्य संगीत, उससे 5 क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड के शिक्षण संस्था कौन से, आईएसएम धनबाद कहाँ पे है, रांची यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हजारीबाग का विनोबा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये संस्थान से क्वेश्चन आएंगे। और किससे, कौन से संस्था से क्या पढ़ाया जाता है, कौन से शिक्षा दी जाती है, इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका झारखंड का CNT भूमि कानून, उससे लगभग 12 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 क्वेश्चन आएंगे, ये CNT भूमि कानून। उसके बाद है आपका सातवां में 1947 राज आर्थिक विकास, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हमें मेनली 3 चीज़ें फोकस करना है, ऐसे फोकस तो सभी पे करना है लेकिन मुख्यतः 3 जो टॉपिक है उसे अच्छे ढंग से पढ़ना है। पहला हो गया आपका ये इतिहास जो कि मैं पढ़ाऊँगा, CNT कानून ये भी मैं पढ़ाऊँगा। तो ये 8 नंबर, 12 नंबर और 10 नंबर पढ़ना तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये 8 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर और ये 10 क्वेश्चन, ये 10, ये आर्थिक विकास, ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का इतिहास में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि झारखंड का इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, कौन से काल में झारखंड का क्या स्थान रहा था, झारखंड का मुगल में क्या था, आर्थिक क्या था, भौतिक, भौगोलिक, सब कुछ आपको इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। आंदोलन जो कि इतिहास में भी आता है, झारखंड के इतिहास में ही आता है, झारखंड में, झारखंड आंदोलन में आपका अंग्रेज़ों के साथ क्या तालमेल रहा है ना, उसके बाद फिर मुगलों के साथ क्या तालमेल रहा, ये आपको आंदोलन में पढ़ना है। झारखंड का पहचान, पहचान में जैसा कि आपको बता दिया कि कौन सी नदी कहाँ पे है, संस्था कहाँ पे है, कौन सा, किसको क्या बोलते हैं, ये आपको पहचान में पढ़ना है। साहित्य संगीत, ठीक है, झाऊ कहाँ का है, संगीत, ये संगीत मतलब हो गया कि यहाँ का क्या है, संगीत क्या है, नृत्य क्या है, ये पढ़ना है हमको साहित्य संगीत में। झारखंड शिक्षण संस्था, कौन सा शिक्षण संस्था कहाँ पे है, CNT कानून कब बना, इस पर क्या लागू होता है, इसे क्या करना है, कैसे सरकार ने इसे संशोधन किया, फिर अप्लाई किया, क्या क्या हो सकता है, ये सब हमें CNT कानून में पढ़ना है। अब राज्य विकास, आर्थिक, 1947 राज्य आर्थिक विकास, झारखंड राज्य का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमको इसमें, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, हमको पढ़ना है। झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का इतिहास का शुरुआत होता कहाँ से है और इससे क्या जानने से हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये हमें पढ़ना है। तो पहले झारखंड का इतिहास में जाने, पहले पढ़ने के लिए हमें झारखंड का कालक्रम जानना जरूरी है कि झारखंड के में इसके बाद क्या हुआ, कौन से सबसे पहले कौन से तथ्य आते हैं, उसके बाद कौन से तथ्य आते हैं, उसके बाद कौन से तथ्य आते हैं, वो हमें पढ़ना है। लेकिन हिस्ट्री जो है सो जो नहीं पढ़ते हैं या फिर जो टीचर अगर ट्यूटर पढ़ाते नहीं है, मेंटर अगर ठीक से पढ़ाते नहीं है, तो हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कितने बच्चे सो जाते हैं, इसलिए क्लास में हिस्ट्री का लेक्चर में देखते देखते कई बच्चे सो जाते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर किसी तरह का एंटरटेन करते हुए आपको लगना ही चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई मूवी देखने आया हूँ, किसी से मिलने आया हूँ। आपको याद होगा जब अपने कोई फ्रेंड से मिले होंगे या फिर कोई व्यक्ति से मिले होंगे या ऐसे व्यक्ति से जो आपसे बहुत करीब होंगे, आप फिर अचानक छोड़ के चल जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो तकलीफ का दिन आपको याद होता है। दो चीज़ हमेशा याद होगा, तकलीफ का दिन और जिस दिन मिले होंगे वो दिन, दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्ट्री पढ़ाने से, हिस्ट्री पढ़ाने का अलग मजा है और उसका पढ़ने का भी अलग मजा है, बस तरीका अलग होना चाहिए पढ़ने का और पढ़ाने का।
तो हिस्ट्री कभी बोरियत या लोड लेके कभी नहीं पढ़ना है कि हमें आज हिस्ट्री पढ़ना है, या फिर बस पढ़ रहे हैं टाइम पास के लिए, या फिर पढ़ लेते हैं हिस्ट्री का सिलेबस है इतना क्वेश्चन जेपीएससी का है, वैसा कभी नहीं हो पाएगा जीवन में, कभी नहीं हो पाएगा। आपको हिस्ट्री एकदम इंटरटेन करके पढ़ना है कि आज हिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ लेते हैं देख लेते हैं तो मज़ा आएगा, एकदम टेंशन एकदम नहीं लेना है, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से, एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ना है आपको हिस्ट्री, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री माइंड होकर। तो झारखंड का इतिहास, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो झारखंड का इतिहास में झारखंड का कालक्रम हमें जानना जरूरी है। कालक्रम मतलब काल, समय, समय का क्रम, समय कैसे बीत रहा है वो हमें जानना जरूरी है, कालक्रम हमें जानना जरूरी है। तो झारखंड का कालक्रम सबसे पहले है भूगर्भिक काल, भूगर्भिक काल इसका समय होता है 600 करोड़ वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व। पहले होता है भूगर्भिक, भूगर्भिक मतलब क्या होता है, भू जमीन, जमीन का गर्भ, उसमें जो काल होता है जमीन का गर्भ का जिसमें निर्माण हो रहा था उसमें भूगर्भिक काल कहते हैं, उसे हम लोग भूगर्भिक काल कहते हैं। उसका पीरियड कब है, 600 करोड़ वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व, 600 करोड़ वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व ये है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, दो चीज़ है, भूगर्भिक काल और ऐतिहासिक काल, दो चीज़ है, भूगर्भिक काल और ऐतिहासिक काल। तो भूगर्भिक काल में मैंने बताया कि भूगर्भिक मतलब भूगर्भ मतलब जमीन, इस पर अर्थ पृथ्वी का निर्माण, या फिर झारखंड के पृथ्वी का गर्भ का निर्माण हुआ था। इसी समय जो है सो हम लोग का पहाड़ आर्कीय चट्टान का निर्माण हुआ, जो हम लोग का चट्टान यहाँ पाया जाता है, ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, लेकिन आर्कियन चट्टान आपका बहुत सारे चट्टान जो जो है उस चट्टान का निर्माण इस समय भूगर्भिक काल में हुआ था, इसलिए इसे भूगर्भिक काल भी कहते हैं, भूगर्भिक काल। अब आते हैं आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का पीरियड है आपका 10 लाख ईसा पूर्व से अब तक, मतलब जो चलते आ रहा है उस समय तक का इतिहास, अभी तक का मतलब 10 लाख ईसा पूर्व से अब तक। तो हम लोग अभी अभी देखिए दो ही चीज़ में, दो चीज़ हमने जाना, झारखंड का कालक्रम, कालक्रम मतलब समय का पीरियड, अभी क्या शुरू हुआ है, अभी क्या होगा, अभी आपसे पूछेगा कि आपका कालक्रम क्या है, आप अपने जीवन का कालक्रम बताइए। तो बताना है कि अभी मतलब मैं बचपन में 5 से 3 में स्कूल में पढ़ा, इस स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल में पढ़ा, तो एट अपने बारे में या फिर किसी के बारे में पूछना हो कि आप बताइए आपके मित्र का कालक्रम क्या है, आपका मित्र कब जॉब में लगा, या फिर तो कालक्रम का कहने का मतलब कि इसका झारखंड का शुरुआत कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ है, शुरुआत कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है। तो झारखंड का कालक्रम, झारखंड का कालक्रम पहला हो गया भूगर्भिक काल, मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ, भूगर्भिक काल, पहाड़ों का निर्माण हुआ, इसमें मुख्यतः पहाड़ का ही निर्माण हुआ, उसका पीरियड कब था, 600 करोड़ वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व तक, 600 करोड़ वर्ष से 10 लाख ईसा पूर्व तक। अब आते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का पीरियड है 10 लाख ईसा पूर्व से अब तक, मतलब अभी तक जो चल रहा है उसे हम लोग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब मुख्यतः हमको ये तो बस इतना ही पढ़ना था, मुख्यतः हमको पढ़ना है ऐतिहासिक काल, ये जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, इस पीरियड को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ये पीरियड होता है आपका 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये जो समय होता है, ये समय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि पृथ्वी का या झारखंड का इतिहास कैसा था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, बस हम लोग मान लिए हैं कि ये समय भी रहा है। तो 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो ये इसे हम लोग करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसी काल में हमें आता है, इसी प्रागैतिहासिक काल में ही आता है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, ये सब जो है, जो भी काल जितने काल है वो सब इसी में आता है, इसका काम यहीं तक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भूगर्भिक काल का, भूगर्भिक काल का पीरियड बताना है तो 6000 करोड़ वर्ष से 10 लाख करोड़ वर्ष तक। अभी तक तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए तो झारखंड के कालक्रम के बाद हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल का ही है ये, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पूर्ण रूप से पाषाण काल, ये शुरुआत होती है झारखंड में 10 लाख से 1000 ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये हम लिखे हैं आखेट, ये आपको हर बुक में मिलेगा, लुसेंट में, मनीष रंजन में, और बहुत सारे जो झारखंड के बुक है शिवानर में। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, मतलब शिकारी जो शिकार करते थे उसे आखेट के नाम से जाना जाता था, उसे आखेट कहते थे, ठीक है। तो आपको ये आखेट मिलेगा तो उसका सीधा मतलब ये समझिएगा कि शिकारी का बात कर रहा है, मतलब जो वहाँ के उस समय के लोग शिकारी का शिकार करके जानवर को मार के अपना भोजन करते थे। तो इसका शुरुआत है पूरा पाषाण काल का 10 लाख
लाख से 11,000 ईसा पूर्व में आखेट, यहाँ का जो मुख्य काम था मतलब मानव का, उसे आखेट कहते थे। उसके बाद ये प्रमाण इसका मिला हजारीबाग रांची वेस्ट सिंहभूम, चाहे भाषा में हजारीबाग रांची वेस्ट सिंहभूम में मिला है। अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल। तो इस समय मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल का समय जो था उस समय जो है सो सभी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पत्ता वगैरह से कपड़ा वपड़ा बनाते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। शिकार करने का मतलब है कि उसमें आग का खोज हो चुका था और अपना घर वगैरह से पत्ते से बनाकर अपना गुजर बसर करते थे। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में घर का निर्माण होना शुरू हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है, घर का निर्माण होना शुरू हो गया था। इसका टाइमिंग है 10,000 वर्ष से 6,000 ईसा पूर्व तक, 11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, 11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ये आपका प्रमाण इसका मिलता है आपका पलामू में, दुमका में, रांची में, ठीक है, पलामू, दुमका और रांची। उसके बाद आता है नव पाषाण काल, ये आपका है नव पाषाण काल। इसका टाइमिंग है 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें गांव का निर्माण होने लगा था, गांव बसने लगे थे, गांव का निर्माण होने लगा था, गांव बसने लगे थे नव पाषाण काल में। तो शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा का पाषाण काल में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, शिकारी करके, ठीक है, शिकार करते थे और उसके बाद फिर अपना करते थे। उसके बाद फिर आपका मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो है घर का निर्माण मतलब कृषि होने लगा था, उसमें कृषि का निर्माण हो गया था मध्य पाषाण काल में। उसका पीरियड है 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, उसका पीरियड है 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। प्रमाण पूछेगा आपसे तो प्रमाण में सीधा बोलेगा पलामू, दुमका और रांची, इसमें आपका हजारीबाग, रांची और वेस्ट सिंहभूम आता है। नव पाषाण काल में जब हम लोग आते हैं तो नव पाषाण काल में झारखंड में गांवों का निर्माण होना शुरू हो गया था, ठीक है, उसमें गांव का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो उसका समय आपसे पूछेगा तो 6,000 ईस्वी से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसका प्रमाण मिलता है रांची, लोहरदगा और चाईबासा में, ठीक है, रांची, लोहरदगा और चाईबासा में। अभी भी हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पहले पढ़े कालक्रम, ठीक है, पहले भूगर्भीय काल में आए, ऐतिहासिक काल में आए, ऐतिहासिक काल में आए, पूरा पाषाण काल में आए, मध्य पाषाण काल में आए, नव पाषाण काल में आए, हम लोग अब ताम्र में आएंगे, ताम्र में आएंगे, लौह में आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों को पूरा समय आ गया होगा, ठीक है। झारखंड का कालक्रम, पहले मैं झारखंड का इतिहास के बारे में चर्चा किया, पहले मैं ये बताया कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड में, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा मैं चर्चा किया झारखंड का इतिहास शुरू किया पढ़ाना, तो कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया। तो कार्यक्रम में क्या आ गया आपका, ऐतिहासिक था एक, भूगर्भिक था। तो भूगर्भिक मैंने बताया कि उसमें मानव निर्माण नहीं हुए थे, उसमें पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, भूगर्भिक काल आ रहा था। भूगर्भिक का मतलब अपना जो है सो ये पहाड़ वहाड़ जो हो गया, ये आर्यक्रम की चट्टान वट्टान का निर्माण हो रहा था। तो आप फिर ऐतिहासिक काल में, पूरा पाषाण काल में, मतलब पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण, कहने का मतलब इस काल का इस पर बांटा गया कि इस काल में कितना डेवलप हुआ था वो बताया गया था। तो पूरा पाषाण काल में एकदम नहीं डेवलप, मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा डेवलप, घर का निर्माण होना शुरू किया, नव पाषाण काल में पूरा डेवलप, ये आपका गाँव का निर्माण होना शुरू हुआ था। तो उसके बाद आते हैं ताम्रयुग की ओर, ठीक है, ताम्रयुग मतलब तांबा का युग, ठीक है ना, उसमें तांबा का युद्ध हुआ था, तांबा का युद्ध नहीं मतलब तांबा का खोज हुआ था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में एक लोहा का खोज हुआ था, लेकिन हम लोग का हिस्ट्री उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, उसके कारण ऐसा विवाद बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में ही पूरे विश्व इतिहास में झारखंड में ही लोहे का और तांबा का खोज हुआ था। तो खैर वो तो बात की बात है। ताम्रयुग में, ताम्रयुग का समय है 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसका प्रमाण हजारीबाग में मिला है, 49 खाने वहाँ पे मिला है, मतलब उद्योग जहाँ पे तांबा का निर्माण किया जाता था, 49। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जीएसएससी में या फिर जेपीएससी में कि कितने खदान मिले हैं तांबा के, तो 49 खदान मिले हैं, उद्योग जहाँ पे बनाए जाते थे। अब आते हैं काश्ययुग। काश्ययुग का समय होता है आपका 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। देखिए आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हर एक पीरियड का समय बनाकर आप लोगों को अच्छे ढंग से बताने का काम किया है। चार के बाद हम लोग 4,000 से बाद 3,000 आ गए, 3,000 से बाद 2,000 आ गए, हमको लगता है आपको अच्छा समय में आ रहा होगा। तो ताम्र के बाद हम लोग आते हैं काश में। काश का समय होता है 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक। लौह का समय होता है आपका 2,000 से
1000 ईसा पूर्व तक। तो आपको याद रखना है, इसमें मेन मुद्दा ये है टाइमिंग का याद रखना, ये जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये कितने कितने किसने किससे समय का पीरियड है। तो ये हो गया 3000 से 2000 ईसा। इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है झारखंड में। सिंधु घाटी सभ्यता इसी समय आया था, कांस्य युग में ही। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता झारखंड में कब, झारखंड झारखंड में कब आगमन हुआ, ताम्र युग होगा, कांस्य युग देगा, लाह युग देगा, तो आपको बताना है कब, कांस्य युग में। ठीक है, समझ गए, कांस्य युग में आपको बताना है। अब लाह युग में आते हैं। लाह युग का समय होता है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। लौह का समय होता है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। तो हम लोग तीन चीज समझ गए, देखिए ताम्र हो गया, कांस्य हो गया, लौह हो गया, तीन चीज, ताम्र ला और कांस्य, ताम्र नहीं सॉरी ताम्र ताम्र कांस्य और लोहा, तांबा कासा लोहा, तांबा कासा लोहा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2000 से 1000। उसके बाद हम लोग आते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ये इसी जो है माया था वैदिक काल में, इसी समय वैदिक ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, इसी समय झारखंड में उसका भी साक्ष्य मिलता है वैदिक काल का। तो ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद आता है ऋग के बाद, ऋग्वेद के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो कि आपको पता होगा पारस्वनाथ, ऐसे तीर्थकार कहाँ पर थे, अब गिरिडीह में, जो कि अभी भी साक्ष्य मिलता है। तो यही सब देखिए, इसी बिंदु को जैसे ये हम लोग पढ़े ना, उसी बिंदु को हम लोग आगे पढ़ते जाना है। तो हम शुरू कहाँ से किए थे, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम लोग शुरू किए थे हिस्ट्री से, जो कि झारखंड के इतिहास से कालक्रम में आए, भूगर्भी काल में आए। भूगर्भी काल में भू का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, चट्टान का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग आए इसमें झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत में आए, ऐतिहासिक स्रोत में हम लोग पढ़े पाषाण काल, पढ़े नव पाषाण काल, पढ़े मध्य काल, पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग ताम्र युग में आ गए, ताम्र युग के समय आ गए, फिर कांस्य युग में आए, फिर लौह युग में आ गए, फिर हम लोग आ गए वैदिक काल। कोई आपसे पूछेगा कि वैदिक काल का पीरियड बताना है, तो 1500 से 6000। अभी आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब मैं एक टॉपिक पर बात करूंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ये मुझे पता है, और फुल इंटरनेट इंटरनेट इंटरटेन करेंगे आप लोग, बहुत ही आनंद लेंगे। ठीक है ना, तो ये वैदिक काल हो गया, ऋग्वेद काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। छः सौ ईसा पूर्व से अब तक, ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से अब तक हम लोग को देखना है। तो हम लोग प्राचीन प्राचीन झारखंड का इतिहास, उसका टाइमिंग है 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, उसका समय है 1206 से 1765 तक। आधुनिक झारखंड 1765 से 1947 तक, स्वतंत्रता के बाद झारखंड 1947 से 2000 ईस्वी तक, अब पृथक राज्य के बाद झारखंड। इसका कहने का मतलब ये है कि प्राचीन झारखंड, प्राचीन काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, उसका टाइमिंग दिया हुआ है। ये मैं टॉपिक है आपको, मैं ये टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये मैं एक एक टॉपिक पर डील करूँगा, एक एक टॉपिक पर बात करूँगा, तो मैं सिर्फ लिखवा दिया हूँ कि इसका टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि प्राचीन काल में झारखंड 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन में झारखंड 1206 से 1765 तक। तो मध्यकालीन में झारखंड का स्थिति क्या थी, इस पीरियड से इस पीरियड तक। ठीक है, इस पीरियड से इस पीरियड तक क्या टॉपिक थे, इस पीरियड क्या क्या युद्ध हुआ, क्या कौन कौन से लोग आए, क्या क्या खोज हुआ, क्या क्या रिसर्च हुआ, ये पता चलता है, ये हम आपको बताऊंगा इस समय में मध्यकालीन में। आधुनिक में 1765 से ये आपका अंग्रेज आ गए थे, मतलब अंग्रेजों के हाथ में बिहार, जिसमें बिहार के हाथ में झारखंड था, तो अंग्रेजों ने अपने अंडर में हाथ ले लिया था। तो उस समय से पढ़ना है हमें 1947 तक, ये आज़ादी तक, मतलब आज़ादी के बाद का, स्वतंत्रता के बाद, ये स्वतंत्रता के बाद झारखंड 1947 से 2000 ईस्वी तक। तो 15 नवंबर से 2000 पृथक राज्य जब हुआ, वही हमें पढ़ना है। तो अभी आपको मैं हर एक टॉपिक को डील कर देगा हूँ, और कल से मैं जितना टॉपिक लिखाया हूँ, जो जो टॉपिक मैं डील किया हूँ, वो टॉपिक पूरा हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। तो अभी तक की क्लास यहीं तक, तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।